शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जी सर, 12% अभी एमसीडी का उन्होंने कूड़ा दिखाया, 75% की भी बात हो गई। आस पड़ोस के जो राज्य हैं वहां से पराली को लेकर कल ट्विटर पे वॉर हुई है मिनिस्टर साहब और मुख्यमंत्री के बीच में। आप लोगों को पराली का धुआं पंजाब से आता हुआ नजर आ जाता है, ठीक है। अब किसान जब मारे जाते हैं तो वो खबरें नहीं आती, कोई बात नहीं, मुबारकबाद स्वीकार करिए सर। ग्रैप 4 लागू हो गया है दिल्ली में, 50% से ज्यादा आबादी गले की समस्या से परेशान है, आंखों में जलन से परेशान है। आपको मालूम ही नहीं कि सुबह कैसी होती है, दोपहर कैसी होती है, सब शाम ही शाम हो गई है। मुबारकबाद स्वीकार करिए सर, मुबारकबाद स्वीकार कीजिए। पहले प्रश्न पूछिए या मैं जवाब दूं? सर यही सवाल है। देखिए, हम बड़ी दुख के साथ कह रहे हैं कि दिल्ली का ऐसा एनवायरनमेंट है। आपका वो भी जवाब दूंगा कि केंद्र सरकार ने क्या किया, परंतु मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से। मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा कि केजरीवाल सरकार ने कोई काम नहीं किया। एक बहुत छोटी सी चीज है, दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड है, कमेटी है, DPCC, आपने भी पढ़ा होगा, सब लोगों ने पढ़ा होगा, आप उसको गूगल करके देखिए। तो मैं आज उसको देख रहा था तो हमने देखा कि उसकी एनुअल रिपोर्ट 2009-2010 की पड़ी हुई है, उसके बाद कोई एनुअल रिपोर्ट तक नहीं बनेगी है। उसमें भी शीला दीक्षित जी की फोटो पड़ी है। यदि ये 8 सालों में एक एनुअल प्लान भी नहीं बना सकते, उसकी रिपोर्ट भी प्लान हुआ ही नहीं, 2009-2010 के बाद वो रिपोर्ट भी अपलोड नहीं हुई है, तो कितने सेंसिटिव है ये घनेन्द्र भरद्वाज जी बता दे। दुख होता है, आप जब हमको मुबारकबाद देते हो तो दुख होता है। और आपका ये प्रश्न था कि केंद्र सरकार ने क्या किया, तो आज मैं राजनीति नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे भी बच्चे, हम भी और आप भी, सभी इस पॉल्यूशन में भुगत रहे हैं। आपको मैं खाली 4-5 पॉइंट बताता हूं कि क्या किया। आज हम पॉजिटिव नोट पे जाते हैं, मैं उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, बाकी इल्जाम सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज एक बात कही। केजरीवाल जी का स्टेटमेंट था, क्योंकि किसान हड़ताल कर रहे थे केंद्र सरकार के अगेंस्ट में, इसलिए केंद्र सरकार ने कहा कि हम इन किसानों को पैसा नहीं देंगे। ये केजरीवाल जी को सपना आया था। केंद्र सरकार ने कोई लेटर लिखा है क्या? पर केवल राजनीति करना केजरीवाल जी का काम है, और यहां दिल्ली जब इस गैस चैंबर में फंसी हुई है, तब वो हिमाचल के और गुजरात के चुनाव में व्यस्त। आज हिमाचल में है और कल से 4 दिन के लिए गुजरात में। जब दिल्ली के अंदर यह पता लगा कि व्हीकल एक बहुत बड़ी चीज है और इस व्हीकल से 51% से ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, और 40% टोटल पोल्यूशन का कारण केवल दिल्ली है, आज की CSC रिपोर्ट, घनेन्द्र भरद्वाज जी आपको बता दो, सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट, CSC रिपोर्ट है, आज के इंडियन एक्सप्रेस के अंदर की रिपोर्ट है ये। उसने बताया 51% है और उसका मैक्सिमम व्हीकल से होता है, तो वो दिल्ली में ना आए, इसके लिए ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल बनाई गई। 50,000 से लेकर 1,00,000 तक कमर्शियल गाड़ियां दिल्ली से बाहर निकल जाती है, दिल्ली में नहीं आ रही है। कई रोड ऐसी बनाई जो आपने बनाने नहीं दी। आप धौलाकुआ से एयरपोर्ट मात्र 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हम 40-40 मिनट में पूरा करते थे, उस रोड को भी दिल्ली सरकार ने नहीं बनाया तो केंद्र सरकार ने बना के दिया। अब आप सोचो, जब आप यमुना नदी नहीं साफ कर पा रहे, अभी हम 3 दिन पहले जिंदर जी आपके टीवी चैनल पर यमुना नदी के ऊपर भी बात कर रहे थे, कितना गंदा पानी है, छठ खत्म हो गई, अगले साल फिर से हम इसी पे डिबेट करेंगे। गंगा साफ हो गई क्या? देखिए मेरे को पूरा अभी काउंटर तो होते हैं ना, ये आप लोग है ना सटायर में जो पॉलिटिक्स करते हैं ना, मैं ये समझती हूँ कि अपने स्तर पर जो आपकी जिम्मेदारी, आप सिर्फ उस पर बात कीजिए। कूड़े के पहाड़ हट गए क्या? मेरे साथ चलिए, मेरे साथ कूड़े के पहाड़ हट गए क्या? नहीं नहीं, कानपुर में मेरे साथ चलिए, गंगा की बात करी है तो वो आज से 10 साल पहले का पानी कैसा था और इस 5 साल के बाद क्या पानी हुआ है, इसका भी मैं आपको चेक करवाऊंगा और रिपोर्ट के साथ कहूंगा। इसलिए खाली स्टेटमेंट बीच में टोकने के लिए मत बोलिए, मेरी 2 मिनट बात नहीं तो आप, मैं आप अपने आपको 100 में से 100 नंबर दे रहे, कानपुर जाके मैं देख लूं। और कानपुर कितना प्रदूषित शहर है आपको मालूम है? आपको उत्तर प्रदेश का कानपुर कितना प्रदूषित शहर है, उद्योग नगरी है कानपुर, उत्तर प्रदेश की उसकी स्थिति कितनी खराब है। आप कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बात है? बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मैंने बताया ना, मैंने आंकड़े दिए, 26 लाख लोग मरते हैं प्रदूषण से भारत में, 26 लाख लोग दुनिया में सबसे ज्यादा। आपके सेंटेंस से मैंने सेंसिटिव होने के कारण किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूं कि हमने क्या क्या किया, और ये चीज आपको भी बताना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, जो केंद्र सरकार कर सकती है वो कर रही है, यहां पर ड्रामाबाजी नहीं कर रही है। आज का केस, कल का केस है कि टोटल जितना पराली का
पराली के कारण जितना भी हो रहा है, आपने केजरीवाल के स्टेटमेंट सुने होंगे, हमने भी ट्वीट किए, बहुत सारे हमारे नेताओं ने भी किए, एक साल पहले क्या क्या था और आज का क्या स्टेटमेंट चेंज हो गया, और वो जो पराली घोल है वो कहां गायब हो गया मालूम नहीं। और आपको एक जानकारी के लिए बोल रहा हूं, केवल एक जानकारी के लिए, कि टोटल इस साल के जो केसेस आए हैं 15,461 केस, मंडे तक की रिपोर्ट है ये, उसमें से 12,112 केसेस पंजाब से है और उत्तर प्रदेश से कुल मिला के 705 और हरियाणा से 805। कौन से केसेस, एक बार करेक्ट कीजिए, कौन से केसेस? जो पराली को जलाने के केसेस। तो मैं आपका डाटा करेक्ट करा देती हूँ सर, 21,500 है पंजाब से आज तक का, अभी तक का बता देती हूँ मैं आपको, 21,500 और हरियाणा से 2,249। मैंने ये सैटरडे तक के डाटा दिया है आपको, मैंने बोला आपको कि मैं आपको लेटेस्ट देता हूं सर, आपके डाटा 4 दिन और है, उसमें से आप देख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, 80% डाटा पंजाब का है कि नहीं है। और जब पंजाब से पूछा हम लोगों ने कि आप लोग क्या एक्शन कर रहे हो, बुला के बात कर रहे हो, तो केजरीवाल जी क्या बोलते हैं, ये लोग किसानों के विरोध में है, किसान हमको खाना देते हैं। अरे ऐसी बातें क्यों कहनी है, इमोशनल बातें, जो चीज रोकनी है वो रोकने दिए, किसान खाना दे रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत करेगा, आप उसको बुलाइए, उसको समझाइए, पर इमोशनल बात करके दुनिया को भड़काने का काम केजरीवाल करते हैं। इतना ज्यादा गुस्सा हो के क्यों बात रहे हैं, आराम से रखिए सर। केजरीवाल जी की ड्रामाबाजी है, इसको मैं बताना चाहता हूँ। तो सर अच्छा ठीक है, आपके मुताबिक किसान रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली में प्रदूषण के लिए, व्हीकल्स नहीं है आसपास, जो इंडस्ट्रीज है उससे जो धुआं निकल रहा है, चिमनियां जल रही है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, वो भी है, उसका भी मैंने परसेंटेज है, ऋषि मिश्रा जी का है, 7% है, अच्छा ठीक है, 7 ठीक है।